मोइन अली जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2021 खेलेंगे तो उसमें वो अधूरी जर्सी के साथ उतरेंगे। अधूरी जर्सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी अल्कोहल के ब्रांड को अपनी जर्सी पर नहीं लगवाएंगे, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने एग्री भी कर दिया है। जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस भी होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ या किसी भी टीम के साथ करार करती है कि हमारा लोगो खिलाड़ियों की जर्सी पर होगा, सपोर्ट स्टाफ की जर्सी पर होगा, तो वो हर खिलाड़ी को देखती है कि कितने खिलाड़ी खेलेंगे, कितने सपोर्ट स्टाफ के मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो ग्राउंड पर मौजूद 11 खिलाड़ियों की होती है। उनकी जर्सियों के बेसिकली पैसे देता है वो ब्रांड कि उनकी जर्सी पर हमारा लोगो होना चाहिए। अब जब एक खिलाड़ी मना कर देता है, जाहिर सी बात है उस कंपनी की एक जगह कम होती है। तो अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि वो कंपनी उस एक जगह की पैसे नहीं देती जहां पर उसका लोगो नहीं लगता, तो वो फाइनेंशियल लॉस जो आएगा वो चेन्नई सुपर किंग्स पे आएगा। और अधिकतर वाक्यों में ऐसा होता है कि ये जो एक्स्ट्रा लॉस आता है फ्रेंचाइजी पर, फ्रेंचाइजी इसे डाल देती है खिलाड़ी के ऊपर कि ठीक है आप लोगो मत लगवाइए, लेकिन आप ये जो हमें नुकसान होगा ये पैसे आपकी सैलरी से कटेंगे। लेकिन मोइन अली के केस में ऐसा अब तक सुनने को नहीं मिला है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनकी सैलरी काटेगी इस बात को लेकर, लेकिन उनकी मांग पर हामी जरूर भर दिया है। जाहिर सी बात है मोइन अली जहां भी खेलते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो मुस्लिम है और एक वो अपने धर्म को इस तरह से फॉलो करते हैं कि एक भी बात अपने धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते। बेशक वो इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन वो एक बात साफ रखते हैं कि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम की जो भी टीचिंग है वो उनसे बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहते। शायद यही कारण है कि किसी ने कभी मोइन अली, हाशिम आमला, आदिल रशीद इनकी आपने कभी बीवियों को भी नहीं देखा होगा। यहां तक कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जो खिलाड़ी खेल रहे थे इंग्लैंड में जो मुस्लिम, उनकी बीवी को नहीं देखा। वही हाल हाशिम मामला का भी है। तो ये जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में जो ये मुस्लिम खिलाड़ी खेलते हैं ये अपने धर्म को पूरी कट्टरता के साथ फॉलो करते हैं और ये जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं तो जाकर बोल भी देते हैं। आपने देखा होगा आदिल रशीद और मोइन अली जब सीरीज जीतती है इंग्लैंड और जैसे ही शैंपेन की बोतल उछलना शुरू होती है, खुलना शुरू होती है, ये दोनों अलग हो लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं, कहीं इनके ऊपर शैंपेन के छींटे ना आ जाए। ये दिखाता है ये कितनी कट्टरता के साथ अपने धर्म को फॉलो करते हैं और अपने धर्म के आगे किसी भी चीज़ को नहीं देखते। मोइन अली के अपनी जर्सी पर बियर का लोगो न लगवाने का यही बड़ा कारण है जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने हंसते हंसते एग्री कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।